मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडर्न स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। वो जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है और अपने स्टार्स को और अपनी ऐसी शख्सियात को आपके सामने लेकर आना है जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबे में बहुत आला मुकाम हासिल किया होता है बल्कि मुल्क पाकिस्तान का जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वो नाम रोशन किया होता है। आज मेरी जो एपिसोड है 126 यानी 126वीं एपिसोड होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो एक वर्सटाइल पर्सनालिटी है, जिसने जो भी काम किया अभी तक जो भी कर रहे हैं अपनी फील्ड में रहते हुए नायाब है। आई हैव नो वर्ड्स, यानी कि मैं तारीफ़ नहीं कर सकता उनकी। और मैं अगर चाहे फूड की बात हो, चाहे वो एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे वो मीठे की बात हो, किसी चीज़ की भी बात हो, तो एक ही नाम मेरे पास आता है आज का। लाहौर के हवाले से नहीं बल्कि पंजाब के हवाले से नहीं बल्कि अगर मैं देखूं तो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदनान सरवर शेख साहब की। अदनान सरवर शेख साहब कौन हैं, थोड़ा सा मैं उनका बैकग्राउंड बता दूँ, आपको प्रोफाइल बता दूँ, बाकी बातें हम गपशप मैं चाहूँगा कि उनके साथ जब होगी तो वो ख़ुद अपने मुतल्लिक़ ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे। अदनान सरवर शेख साहब बेसिकली उनका राइस इंडस्ट्री से तल्लक रहा है, एक्सपोर्टर रहे हैं बहुत अच्छे पाकिस्तान के, और यूरो रचना राइस मिल के वो CEO रहे हैं और हैं भी। इसके अलावा वो वाइस चेयरमैन भी रहे राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, और उसके बाद वो इंडस्ट्री में आ गए। कैसी इंडस्ट्री में? हॉस्पिटलिटी और कैटरिंग और खाने की इंडस्ट्री में। जी हाँ, बॉम्बे चपाती। बॉम्बे चपाती एक ऐसा ब्रांड है नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में जब बॉम्बे चपाती आया था तो अब भी ठीक है, जो लोग इंटरनेशनल बाहर का टेस्ट लेना चाहते थे या चाहते थे, हमेशा से लोगों की कोशिश थी कि पाकिस्तान में ब्रांड्स आएँ, खाने के ब्रांड हो, उसमें से बॉम्बे चपाती एक नेम ऐसा है जो आज तक अपनी एग्जांपल है। बॉम्बे चपाती का फूड ले लें आप, नो डाउट उसके ऊपर शेख साहब मज़ीद और अच्छे तरीके से हमें बता सकेंगे। उसके बाद रिसेंटली उन्होंने एक अपना एक नया ब्रांड और इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि बहुत कम दिनों में बच्चा था, लेकिन अब वो एक तनावर दरख्त बनता जा रहा है। जी अब मिठास, मिठास नाम से अब जाहिर है कि मिठास, जहाँ पर मिठास की बात और मिठाई की बात ना हो वहाँ पर तो मेरा है जिक्र अधूरा रह जाता है। मिठास एक ऐसा ब्रांड है जिसने नो डाउट थोड़े से अरसे में पंजाब में जो अच्छा और म्यारी मिठाई खाने के शौकीन हैं उनको मिठास का नाम और उसका टेस्ट से वो वाकिफ़ है। इसके ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे। आज मेरे मेहमान हैं ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में अदनान सरवर शेख साहब। हम जानने की कोशिश करेंगे अदनान साहब की कहानी, उन्हीं की ज़बानी, तो मेरे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई, क्या हाल है? जी जी अल्लाह का बड़ा शुक्र। वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया जी, बड़े अरसे से हम तो चाहते थे कि आप हमारे पास चक्कर लगाएं, हमें इस तरह विजिट का मौका दें, लेकिन वो काफ़ी अरसे से मुलाकात का प्लान बनते बनते आज अल्लाह ने बनवा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली शेख साहब, हमारा मकसद ही एशियन ट्रेड टीवी का और ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र, जिसकी आज 126 एपिसोड होने जा रही है, और मेरी खुशकिस्मती आज आप मेरे गेस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा मकसद ही शेख साहब पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करो, और आप जैसे लोग जिन्होंने ना सिर्फ जहाँ जहाँ जो मौका मिला फील्ड में उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की है और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब कहाँ से बात शुरू करें? ख्वाबों से तबीयत का ये सिलसिला अगर मैं देखूं तो शेख और एक एक्सपोर्टर और एक राइस मिल का ऑनर CEO, वहाँ से लेके गोलगप्पे और गोलगप्पों से लेकर बॉम्बे चपाती और बॉम्बे चपाती से लेके मिठास, ये बड़ा लंबा सफ़र है। अगर इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करें तो शेख साहब सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करके कहें कि शेख सरवर साहब जहाँ हैं वो क्या हैं एक्चुअल में, थोड़ा सा मेरे व्यूज़ को आज बताइएगा प्लीज़। एक्चुअली ये तो आपके व्यूज़ को पता होगा कि पंजाब के अंदर शेखा और भट्ट फैमिली दो को मैं कहता हूँ, इन्हें तो बेहतर रोटी को नहीं खाता। हाँ। हमें शौक है, ये भट्ट फैमिली को शौक है हमसे ज़्यादा, और हमें भी ऐसा खाने का शौक है। फूडीज़ है। ये तो सबसे पहली बात आ गई कि फूड और क्रिकेट। मैं अक्सर कहता हूँ कि लाहौरियों के अंदर खाना और क्रिकेट दो चीज़ें हमारे अंदर तो हमारे ब्लड के साथ पैदा होते साथ ही आ गई थी कि खाने अच्छे खाने हैं और क्रिकेट जो है वो देखनी है, अब क्रिकेटर से प्यार करना है। हाँ। तो ये चीज़ें तो एक बिल्टअप थी। फिर आपको ज़िंदगी के मामलात और ज़िंदगी के हक़ायक़ और ज़िंदगी जब सफ़र लेके चलती है आपकी, तो कई चीज़ें आपकी डेली बेसिस पे आपको सिखाने के लिए खुदा ताला करता है। खुदा ताला को आपके बेहतर आपके आने वाले वक्त का पता होता है, हमें नॉलेज नहीं होती, हमारी महदूद सोच है। सो वो सोच अल्लाह ताला की होती है, अल्लाह ताला ही इस काम में लाता है। हमारी नीयत साफ़ है, हम सोच के आए थे कि हमने जो भी करना है अपने लाहौर अपने पाकिस्तान वालों के लिए बेहतरी करनी है। हमने जैसे अभी आपने फरमाया कि सॉफ्ट इमेज, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा सॉफ्ट कंट्री है कौन सी? मुझे ये तो बता दें, हम तो इतने लविंग लोग हैं कि हमारे पास कोई आ जाए तो हम तो ऐसे होते हैं कि जैसे मेहमान आया अल्लाह ने भेजा, तो वो हमारे से ज़्यादा लविंग। पंजाब में ये देखा जाए हमारे, और बाहर जाओ तो बाहर तो दुनिया के पास टाइम नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे फंसे होते हैं कि सुबह 9 बजे जाना शाम 5 बजे जाना, उनकी तो मशीनरी की तरह लाइफ है। हमारी लाइफ है यहाँ पर खाने पीने खाना, दोस्तों से मिलना, गप्पे लगाना, क्रिकेट देखनी, इंजॉय करना, ये हमारी लाइफ। तो इससे ज़्यादा सॉफ्ट हमसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन लोग होंगे? बल्कि कहा जाता है इश्क करना है तो लाहौर चले आओ तुम, इसके ऊपर कभी सॉन्ग नहीं क्या जाता जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं, बिल्कुल क्यों कहा जाता है इसी वजह। बिल्कुल सही। शेख साहब आप राइस का बिजनेस करते थे जी, ठीक है, और नो डाउट एक मिल चला रहे थे आप, और एक्सपोर्टर एसोसिएशन का पार्ट भी रहे आप, ठीक है। तो वो और फिर उसके बाद इस फील्ड में आए, क्या ये थोड़ा सा इत्तफाक था कि थोड़ा सा एक्सीडेंटली ये सब कुछ हुआ है? तो बताइएगा क्योंकि ये आपके फील्ड के साथ कुछ मिसमैच नहीं है। मैं बताता हूँ शायद भाई, एक तो मेरे बचपन से मेरे अंदर जो शौक डेवलप हुआ लाहौर की रोड साइड फूड खाने का, वो बचपन से था, ठीक है, वो इस फील्ड से आने से पहले का, ठीक है, ठीक है। इस फील्ड में मैं आया जब मैं 41 साल का था। अच्छा। अब 41 साल से पहले मैंने जो ज़िंदगी गुजारी अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी फैमिली में, उसमें हमारा जो मेन एंटरटेनमेंट होती थी वो लाहौर के खाने ट्राई करने होती थी। हमने हफ्ते में 2 दिन 3 दिन खाने, और फूडी होने के साथ साथ फिर आपको जायकों की पहचान भी आनी चाहिए। वो पहचान दी मुझे मेरे घर में, जब मेरी 98 में शादी हुई ना, तो मेरी वाइफ ने वो पहचान दी कि जो बिरयानी है, सपोज अगर बिरयानी बाज़ार से मिलती है तो घर पर जो उसका जायका है वो कितना बेहतर बन सकता है। वाह। पाए हैं तो पाए अगर बाज़ार से मिलते हैं तो घर पर कैसे बन सकते हैं? पालक गोश्त, पालक गोश्त हो गया, कहीं ऐसी चीज़ें। पालक गोश्त फिर भी मैं समझता हूँ कि घर से ज़्यादा बेहतर बाहर बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें देख का रोमा आता है, वो जो देख का रोमा आता है वो बाहर वाली पालक गोश्त का ज़्यादा मज़ा आता है बनस्बत के घर छोटे बर्तन में आप पालक बनाएं, तो इस वजह से वो एक फ़र्क है। पाए हैं, पाए घरों के ज़्यादा अच्छे हैं, मुतंजन हो गई बिल्कुल। ये चीज़ों की घर पर मेरे जब शादी हुई तो मेरी वाइफ बहुत शिक हो गई, ठीक है। उसने बेस के तौर पर, स्टार्टिंग के तौर पर ये डाला कि अच्छा खाना और बुरे खाने में तमीज़ क्या होती है। वो पहले इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, जो मिला खा लिया। जब इस चीज़ में आते गए तो फिर अच्छे अच्छे खाने खाते गए। फिर ये एहसास जो है ये हुआ इस तरह कि जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे अपने शहर से लाहौर से बेताशा मोहब्बत पहले दिन से थी। मेरा दुबई ऑफिस था राइस एक्सपोर्ट का, वहाँ पर मैं अक्सर मॉल्स में जाता था, तो मॉल्स में देखता था कि जो इंडियन ब्रांड्स हैं वहाँ पे, जो मुख्तलिफ दुबई के ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं, जो गोलगप्पे बेचते हैं, जो हम कुजीन एक सब कॉन्टीनेंट की है, बरसगीर की है, पाकिस्तान की है, इंडिया की है, इन 2 मुल्कों की है, वो बेचते हैं। उनकी हाइजीन हमसे बहुत आती है, ठीक। वो दस्ताने पहनेंगे, वो गोलगप्पे के टेस्ट टेक्सचर ही फ़र्क है। दैट वाज द फर्स्ट थॉट जो अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाली कि 1.25 करोड़ की आबादी मेरे शहर दी, यार ये काम कोई नहीं कर रहा। ये जो इतने साफ़ सुथरे गोलगप्पे बेच रहा है, हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे जवान हो रहे हैं, ये बड़े होकर पूछेंगे डैडी गोलगप्पा क्या होता था, हम इनको क्या बताएंगे? क्योंकि आज मैं मुगलपुरे से, आज मैं नहर से नहीं खिला सकता, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन प्रॉब्लम है। नहीं, बिल्कुल वो डस्ट सारा दिन उड़ती है, मेरे बच्चे वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, वो मिडिल वाटर। और पानी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो खट्टा पानी है उसके अंदर जब मसाला पड़ जाता है आपको तो पता ही नहीं चलता वो क्या है, पॉइजन हो जाता है। लाहौर में सबसे पहले खट्टा पानी MM रोड पे बॉम्बे चपाटी ने मिनरल वाटर में पिलाना शुरू किया। हमने मिनरल वाटर की आइस उस दिन से लेके आज तक यूज़ करते हैं, वो रवायत कायम है। मेरे ब्रांडेड योगर्ट थी, मैं यानी कि नेस्ले वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड है और वो सारी दुनिया यूज़ करती है। 2013 में व्हेन वी स्टार्टेड टू यूज़ नेस्ले, हमने अपने योगर्ट में, हम आज भी 10 सालों में वही यूज़ कर रहे हैं। शायद भाई फ़र्क इतना पड़ा कि 68 रुपीज़ का केजी थी 2013 में, आज 372 रुपये किलो है, लेकिन 312 रुपये का फ़र्क, 14 रुपये का फ़र्क पड़ा। हमने वो चीज़ चेंज नहीं की, क्यों? हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट एक था कि हमने हाइजीन वाली अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें अपने लाहौर वालों को खिलानी है, और उसी से हम इस काम में आए। आज भी उसी टर्म को लेके चल रहे हैं। बॉम्बे चपाटी रेस्टोरेंट्स एंड केटरर इसी फर्म पे काम करता है कि जो क्वालिटी ऑफ फूड देना है, वो रात को जब कोई खा के मुझे कहता है शेख जी मज़ा आ गया, मुझे नींद ही तब आती है, मैं उसके बगैर सो ही नहीं सकता। आपकी सेटिस्फेक्शन तब होती है? मेरी सेटिस्फेक्शन शेख साहब, मुझे अच्छी तरह वो टाइम पता है कि जब मैं भी दुबई में, हम लोग बाहर जाते थे, लंदन में, नॉर्थ अमेरिका में, या दुबई वाली साइड पर, मिडिल ईस्ट में, तो मिर्ची जैसे ब्रांड है, जैसे बॉम्बे चपाती हो गया, अलॉट ऑफ ब्रांड्स, ठीक है, तो शामियाना, बिल्कुल नवाब्स हो गया, ठीक है, लंदन में, ठीक है। तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि यार ये पाकिस्तान में कब आएंगी ये चीज़ें। पाकिस्तान में तो रवायती वही बटी टिक्का की अगर बात करें, इस तरह की रवायती वो चीज़ें थी, स्पेशल हम पंजाबी और लाहौरी होने के नाते अगर हमें ये टेस्ट का पता था। तो ये मैं समझता हूँ आपका एहसान भी है एज ए लाहौरी कि आपने एक नया टेस्ट हमें डेवलप करके दिया, एक नया ब्रांड लेकर आप आए, तो हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज़ को। शायद मैं मज़े की आपको बात बताऊँ, बॉम्बे चपाटी तो हमने जब ब्रांड लिया ना, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था रिगा रोड के ऊपर, गोल्डन फोक, अच्छा ठीक है ना, वो देता था तंदूरी बारबेक्यू विद पूड़ी। तो मैं खाते हुए सोचता था कि यार हम बारबेक्यू खाते हैं अशरफ तिका से या सफारे चौक होते अपना प्यारा चरगाते, 2-3 और बारबेक्यू, यार वो देते हैं नान, तो यार पूरी के साथ बारबेक्यू का तो टेक्सचर और मज़ा ही डबल आ गया, यार ये तो ज़बरदस्त काम हो गया। तो मैंने किया ये कि मैंने पूरी के साथ तंदूरी बारबेक्यू बॉम्बे चपाटी में स्टार्ट किया। तब बहुत बिरयानी खाता था, करामा में एक रेस्टोरेंट था गजीबो के नाम से, अभी भी है। उसकी एक दम पुख्त बिरयानी बड़े मजे की होती थी। मैंने वो दम पुख्त बिरयानी अपने रेसिपी के मुताबिक यहाँ की बिरयानी बना के उसी तरीके के साथ दी। तो हमने इनोवेशंस के लिए बड़ा काम किया, हमने नई चीज़ें देने के लिए एम आलम रोड से 2018 में हमने वो ब्रांच बंद की, एम आलम रोड वाली। आज इसके अलावा हमारी 6 ब्रांचेस चल रही हैं, पैकेजेस, एम्पोरियम, फैसलाबाद, रहीमियर खान, राहवाली, गुजरावाला में, और न्यू मेट्रो सिटी जेहलम में। तो ये इस वक्त हमारी 6 ब्रांचेज इस वक्त जो चल रही हैं। और जो जायके हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर जायका दे सकें, ताकि आपको खाना खा के हमारा आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। क्योंकि ऑयल, मैं आपके व्यूज़ को ये भी बता दूं कि आप जो खाना खाते हैं उसमें अपना ऑयल कंटेंट ज़रूर देखा करें कि आप ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो हिडन होता है। आप जो खा रहे हैं आपको नहीं पता चल रहा कि उसके अंदर ऑयल कौन सा है। हमने एज आ ओनर, मुझे पता है कि मैं पहले दिन से लेकर टॉप ऑफ द लाइन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, आज उसका रेट 3 गुना ज़्यादा हो गया है, हम फिर भी वही यूज़ कर रहे हैं। हमने अपनी क्वालिटीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो इस वजह से ऑयल देख के खाया करें, ताकि ऑयल जो है आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अच्छा ऑयल इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब। ये तो आने वाले टाइम में ये पता चलेगा मज़ीद, और जितने ब्रांड्स आ रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरह के, और पाकिस्तान में देखा जाए, अगर लाहौर की अगर बात करें, एम आलम ले लें, आपके DHA ले लें, अभी तो ये हर जगह पर एक ऐसी रवायत चल पड़ी है, स्ट्रीट बन गई, फूड स्ट्रीट। तो बहुत सारे ब्रांड्स पीछे भी आ भी रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी इनोवेशन होगी इसमें, बहुत ज़रूरी है। लाहौरिये जो है वो खाने के अलावा, देखिए, एक तो हमारे शहर की आबादी बहुत अच्छी है, 1.25 करोड़ की आबादी है, 12 यानी कि थोड़ी आबादी नहीं है। उसके बाद हमारे पास एंटरटेनमेंट प्लेसेस बहुत कम है। वी डोंट हैव वाटर पार्क्स। हमारे पास हमारा 10 महीने का सीज़न होता है यहाँ पे गर्मियों का, हमारे पास कोई अच्छे वाटर पार्क्स नहीं है, जिस तरह दुबई में वाइल्ड वादी हैं, या जिस तरह डिफरेंट जगहों पे हैं, थाईलैंड में मैंने देखे हैं, और जगहों पे देखे हैं, बड़े अच्छे जो वाटर पार्क्स बने हुए हैं। हमारे पास एंटरटेनमेंट्स नहीं है, हमारे पास मूवी इंडस्ट्री है तो बहुत कम मूवीज़ बनती हैं, ऐसी मूवीज़ जो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। तो हमारी लाइफ में एंजॉयमेंट लेवल है क्या? की खाता ही फूड है ना। फूड पर डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त शेख साहब मेरे साथ मौजूद है, और जहाँ फूड की बातें हों और वहाँ भूख ना लगे, और फिर हम मिठास के ऊपर बैठे हुए हैं। ये सफ़र जारी है, इस वक्त लेके स्मार्ट से ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। तो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए इतनी सहूलतें पैदा कर दी कि बॉम्बे चपाटी भी बना दिया, बॉम्बे चपाटी रेस्टोरेंट्स एंड केटरर भी बना दिया, मिठास भी हमें दे दी, और अब से क्या मांगना। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में दोबारा से खुश आमदेद। अदनान साहब, बहुत से कम लोग जानते हैं, अब जिस चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने लगूँ आपसे, क्योंकि आजकल के नौजवान को पता होने चाहिए, आजकल का जो हमारा जो नया टैलेंट है वो बहुत शॉर्टकट के रास्ते चाहता है कि मैं आऊँ और छा जाऊँ, कोई भी प्रोडक्ट लेके आऊँ। उसके पीछे क्या काविश होती है, कितना लंबा सफ़र होता है, लोगों को ये नहीं पता कि अदनान सरवर शेख साहब यहाँ तक अगर पहुँचे तो उसके पीछे क्या स्टोरी थी, बिहाइंड द स्टोरी, फिलॉसफी क्या है, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि अदनान सरवर शेख एक ऐसे घर से जिसका तल्लक था, जिसने पैदा होते साथ सोने का चम्मच भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो एक मिल ऑनर भी खिलाया। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया, नाज़रीन मैं बताता जाऊँ कि अदनान साहब ने अपने आप को प्रूव करने के लिए लेपर्ड कोरियर में एज ए सेल्स मैनेजर जॉब भी की। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कि आजकल मुमकिन नहीं है अगर किसी को कहा जाए ऐसे, ठीक है। देखिए शायद भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, जी प्लीज़, ये आपके व्यूज़ को मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि कोई काम ज़िंदगी में छोटा बड़ा नहीं होता, हमारे दिमाग का खलल है, ये मैं करना है, ये मैंने नहीं करना, ये मैं क्यों करूँ, ओ भाई मैं कहने का हक आपको किसने दिया, मुझे तो पहले आप सब ये बताएं, पूरी दुनिया ये बताए कि आपको मैं कहने का हक किसने दिया। मैं कहने का हक सिर्फ मेरी खुदा हुआ है, जिस खालिक ने दुनिया बनाई ना, मैं दुनिया बनाई। हम क्या करते हैं, वो ना दे हम खा नहीं सकते, वो ना हमें उठाए हम उठ नहीं सकते, वो ना हमें चलाए हम चल नहीं सकते, वो ना हमें कुछ सुलाए हम सो नहीं सकते। तो हम करते क्या हैं, हमारी सोच क्या, हमारी है क्या। एक तो अपना माइंड ये बस बात पे क्लियर करने की कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नंबर एक। दूसरी बात, एक हदीस है इन्नमा माला बिन्नियात, ये हदीस सिर्फ नहीं है, इस हदीस के ऊपर आपकी जिंदगी है। मेरी किताबों में मैं कहता हूँ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यस, कि इन्नमा माला बिन्नियात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा खालिक ये कहता है, मेरा खालिक अपने नबी के थ्रू, अपने हुजूर पाक के थ्रू, उनके मुँह से अल्फाज मेरे खालिक ने निकलवाए कि इन्नमा माला बिन्नियात, के जो मुझे तो अपना अमल दिखाएगा, जो नीयत दिखाएगा ना, मैं तेरे माल बना दूंगा। अब नीयत क्या है, नीयत है सोच, जो हम सोचते हैं, गुमान, गुमान, मैं अकेला सोच रहा हूँ। अच्छा मज़े की बात है शायद भाई, नीयत एक ऐसी बला है, या आपके साथ आपकी बीवी लेटी होती है, उसको भी नहीं पता होता बंदा की सोच है, आप अपनी बीवी की नीयत नहीं पढ़ सकते। नीयत खुदा को आपसे पूछनी नहीं पड़ती, मेरा खालिक है ना, हमने पैदा किया उस अल्लाह ने, वो हमसे पूछेगा नहीं कि तेरी नीयत क्या है। उसको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको पता है मैं क्या चाह रहा हूँ, उसको पता है मेरा दिमाग किधर चल रहा है, उसको पता है मैं किस धोखे में हूँ, किस अक्लमंदी में हूँ, किस बेहोशी में हूँ, किस में हूँ। वो मेरे माल वैसे बना देता है, जैसा मेरे से गुमान करूं मैं वैसा, जैसा जैसा मैं गुमान करूं वैसा वैसा मामला करता। मैं चाहता हूं मैं आपको धोखा दूं तो मेरी बातों में धोखा निकलेगा, वो चेंज कर लो और चेंज कर लो, बाद सोचना क्या अपने आप को। वो अपनी आकड़ नहीं होती, अपनी बेवकूफ़ी की इंतहा, जलालत की इंतहा होती। क्या आप किसी के से झूठ बोल के, किसी को धोखा दे के तो अपने रब से चाह रहे कि मैनू रिज़्क़ अदा दे दें, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शेख साहब मैं फिर उसी पर आता हूँ, लेपर्ड कोरियर आपने ज्वाइन की, और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आपके लाइफ का रहा है जिस पे 90 के डिग्री से आपकी लाइफ टोटल चेंज हो, बहुत कम लोग जानते हैं उसको, बिल्कुल इस तरह के, और शरई एतबार से भी कहा जाए, शरई एतबार से मैं आपको बता देता हूं, मैं आपके व्यूअर्स को स्टोरी सुना देता हूं, जी प्लीज़ वो ज़रूर बताइएगा कि वो एक ऐसा पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट, जिसके ऊपर आपकी लाइफ चेंज हुई, एक नुकसान किया आपने, बहुत बड़ा लॉस हुआ बिजनेस में। अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो शायद सब कुछ और आपकी लाइफ भी चले जाती। डिप्रेशन का भी आपको बता देता हूँ, एक और बात बताता हूँ। सबसे पहले लेपर्ड्स कोरियर का आपने पूछा, जी, लेपर्ड्स कोरियर में मैंने 3 साल के लिए जॉब की, 95 से लेकर 98 तक, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे वहाँ पे एक सीनियर होते थे मोहिद खान साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैंने उनसे सीखा कि काम किसे कहते हैं। 17 घंटे अगर मैं काम करता था तो 19 घंटे करते थे। जब आपका सीनियर आपसे 2 घंटे ज़्यादा काम करता है ना, तो आपकी एक इनर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो डिस्टर्ब होती है कि यार मैं भी काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे से जो सीनियर है वो मुझसे भी 2 घंटे ज़्यादा काम करता है, हालांकि मुझसे 15 साल बड़ा भी है, 20 साल मुझसे बड़ा भी है, एजेड भी है। उस इंसान ने मुझे बताया कि काम को काम समझ के करना है, इश्क समझ के करना, इश्क समझ के करना। ये तो पहली मोहिद खान साहब की बात आज भी मेरे ज़हन में, मेरे दिल में बसी हुई। दूसरा सवाल आ गया आपका कि मैंने शरई एतबार से अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरे अंदर क्या चेंज आई। मेरी फैक्ट्री ऑलरेडी, जी मैंने बताया, जैसे शायद भाई को, यूरो रचना राइस मिल के नाम से हम फैक्ट्री चलाते थे मुरीके में, और पाकिस्तान से राइस एक्सपोर्ट करते थे। चावल के काम करने के लिए पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग इस वक्त 60-70% लोग तकरीबन बैंकों से काम करते हैं। मैंने भी वही काम किया जो सब लोग करते थे, बैंक से कर्ज़ा लिया और ले कर तो अपना कारोबार किया। मेरे अल्लाह को, मेरे खालिक को सूद लेना पसंद नहीं आया। मुझे किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि रब को जंग जित लेगा, तो मैं जवान सौदों, मैं 26 साल उम्र से, नवा व्याह होया सी, बड़ी जवानी सी। मैं कहा बाबू जी गल्लां बनियां ने पुराने वक्तां दियां, अज कल दा दौर नहीं गा, सारी दुनिया सूदी निज़ाम दे अगेंस्ट चलदी है, मैं को वखरा काम करना, मेरे तो क्यों तू एक गल करदे हो। लेकिन मेरे खालिक को मेरे मुँह से निकले हुए अल्फाज पसंद नहीं आए, ना पसंद आए, जिसका एहसास मुझे ज़िंदगी के 12 साल बाद हुआ। जब एहसास हुआ तो तब अपने खालिक की मानी, राज़िक की मानी और मान के अपनी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर चीज़ तौबा की और तौबा कर दी कि या अल्लाह सूद नहीं लवांगा, भावे भुखा मार दे, 2 मिर्चा ना रोटी दे दे, नमक ना दे दे, दे भावे ना दे, रब्बा तेरा मेरा वादा रहा, आना भी तेरे कोल, भेजा भी तू है, तो सूद नहीं लवां। ये था मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा सच कि जिसकी वजह से मुझे आज तक, आज मैं आपके साथ बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, ये मेरा खालिक ने मुझे इज़्ज़त इसलिए दी कि मैंने नीयत कर ली थी कि रब्बा तेरे ते सूद। आज मेरा अल्लाह मैंने इज़्ज़त, आप लोग सुन रहे हैं मुझे, सिर्फ मेरा खालिक ने मुझे इज़्ज़त इसलिए दी कि मैंने नीयत की थी कि रब जी जो तुसी करोगे बेहतर। तो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए इतनी सहूलतें पैदा कर दी कि बॉम्बे चपाटी भी बना दिया, बॉम्बे चपाटी रेस्टोरेंट्स एंड केटरर भी बना दिया, मिठास भी हमें दे दी, और रब से क्या मांगना, मिठास भी दे दी। जी नाजरीन, ये मिठास की फ़िलासफ़ी के ऊपर बात करते हैं हम। इस वक्त हम एक स्मार्ट सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपको एक अरोमा आता था, एक खुशबू आती थी, वो खुशबू निराला के जाने के बाद ख़त्म हो गई। मुझे 15 दिन लगे वो बालूशाही डेवलप करते हुए, वो खुशबू डेवलप करते हुए, सिर्फ इस लाहौर के इश्क के लिए। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में अदनान साहब मेरे साथ मौजूद है। अदनान साहब, अब बात करते हैं आपके ऐसे पौधे की, एक ऐसे बेबी की जो आपने ख्वाब देखा, फिलॉसफी ऑफ, यानी कि उसको कह सकते हैं ड्रीम्स। जी ड्रीम्स, मिठास, जिसका नाम लेते हुए मिठास आ जाती है, इस तरह ही सर। ठीक है, ये नेम वाकई एक ऐसा नेम था, यूनिक नेम है कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मिठास है क्या, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है मिठाई है, मिठाई है। ठीक है, तो आपके जो दूसरे काम है, दूसरे ब्रांड्स हैं, जैसे बॉम्बे चपाती हो गया और भी आपका काम है, लेकिन मिठास के ऊपर आके तो वाकई उसमें मीठापन ज़्यादा हो गया या कम, इस पर बताइएगा कि मिठास बनाते वक्त आपके माइंड में क्या था कि लाहौरियों को, ना सिर्फ पंजाब वालों को बल्कि पाकिस्तान को, क्या ऐसी प्रोडक्ट्स दी जाए जो सबसे हटके हो, जबकि मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली। तो आपने फिर भी उसको कम्पीट किया, तो कैसे, थोड़ा मैं बताता हूँ। शायद भाई 2012-13 में हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड था मिठाई का, वो बंद हो गया, निराला। ठीक, ये सबको पता है। जी हाँ। जब निराला बंद हुआ तो मैं ये समझता था कि पाकिस्तान में उसके बाद ब्रांड तो आए, गैप था बहुत ज़्यादा, मिठाई नहीं आई। बिल्कुल ठीक, ये दो फर्क चीजें हैं, बल्कि क्वालिटी ऑफ मिठाई फर्क है। ठीक, तो मेरी जायके में ये था कि जब हम इस मिठास में काम में आना था, ऑलरेडी हम 6-7 साल से फूड बिजनेस में थे। मेरे नेफ्यू के बेस्ट फ्रेंड्स हैं अल्फता सुपर स्टोर्स, अल्फता ब्रांड जो है, इरफान साहब के नेफ्यूज जो है। ठीक, इरफान साहब के नेफ्यूज मेरे भतीजों के दोस्त हैं। ओके, उन्होंने मुझसे बात की कि चाचू हम इस तरह फूड बिजनेस में आना चाहते हैं, तो मिलके को काम हम चाहते हैं कि बॉम्बे चपाटी और अलफता मिलके को काम करें। मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट था कि लाहौर में जो ओरिजिनल टेस्ट की मिठाई है, जो जायका आज से 20-25 साल पहले मिठाई का था, वो सॉफ्टनेस, वो टेस्ट, वो खुशबू, वो अरोमा, वो आज नहीं है। ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक फीलिंग थी। जब मैंने ये अपना प्रोजेक्ट उनसे डिस्कस किया तो अल्लाह ने, क्योंकि ये एक सिनेरियो बनाने होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में भी डाला कि इस तरह मिल के आप काम कर लें। तो ये बेसिकली अल्फता और बॉम्बे चपाटी का जॉइंट वेंचर का नाम मिठास है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मिठाई क्या देनी थी, हमने प्रोडक्ट क्या देनी, क्यों क्या बेचना मिठास के अंडर अम्ब्रेला। हमने पाकिस्तान की 34 दुकानों से मिठाई मंगवाई। अच्छा, मैंने कराची 2 यहाँ से अपने भिजवाए बंदे, अपने नेफ्यूज़ भिजवाए। दोनों नेफ्यूज़ को ये कहा कि सुबह से लेकर शाम तक आपने कराची की सारी शॉप्स फिरनी है और आधा किलो मिठाई आपने वहाँ से लेके आनी है। लाहौर में मैं खुद और अपने एक पार्टनर को लेके हम लाहौर की मुख्तलिफ मिठाई शॉप से हमने आधा किलो के मिठाई के डब्बे किए। 2 बातें मुझे समझ आई उन सारी टेस्टिंग के बाद कि लाहौर में जितनी मिठाई बन रही है उसकी 2 प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम यह है कि मीठे का लेवल थोड़ा तेज़ है। जब आप मीठे का लेवल तेज़ करते हैं तो आपकी मिठाई के ओरिजिनल टेक्सचर का लेवल छुप जाता है। ओके, ये होगी नंबर 1 बात। दूसरी बात कि मिठाई की फ्रेशनेस के साथ मिठाई नहीं बिक रही। मिठाई एक प्रोडक्ट है, इसकी लाइफ है। जैसे ये मिठाई पड़ी हुई है, इन मिठाइयों की एक लाइफ है। लाइफ का मतलब ये है कि किसी की लाइफ 72 घंटे की है, किसी की लाइफ 48 आवर्स की है, किसी की लाइफ 96 आवर्स की है। इनकी एक मिठाइयों की जिंदगी है, ये प्रोडक्ट है ना, ये भी तो एक खाने की आइटम बनी, शेल्फ लाइफ है ना, शेल्फ लाइफ है इनकी। जो मिठाइयाँ लाहौर में बिक रही, कराची में बिक रही थी, वो 4-4, 5-5 दिन पुरानी भी बिक रही थी। अच्छा, अब जब ये चीज़ मेरे सामने आ गई तो फिर हमारे लिए मार्केट ओपन हो गई। क्यों? हम ज़रा पैशनेट हैं फूड क्वालिटी देने। हम मज़े की बात आपको शायद मैं बताऊं, ये जितनी मिठाइयाँ आप देख रहे हैं ये 72 आवर्स मेरी शॉप पे पड़ती रहती है, उसके बाद ये वापस चली जाती है। अच्छा, बनती एक रात पहले, यानी कि मैंने जो बनाने का टाइम अपनी फैक्ट्रियों में था वो बिल्कुल ही माइनस कर दिया। मैंने कहा भाई रात को उठो 12 बजे, सुबह 6 बजे तक मुझे सारी दुकानों की मिठाई दो, मैं 3 दिन बेचूँगा, 3 दिन बाद आपको वापस। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख दवा शुक्र है कि इस वक्त हम 3 दुकानें चला रहे हैं मिठास की, हमें मारन बोर्ड पर, DHA में और बैरिया में। हमारी कोई 99.9% हमारी मिठाई बिकती है, हमारा 1% भी वापस नहीं जाता। उसकी रीज़न ये है कि हम क्वालिटी फ्रेशनेस के साथ बेचते हैं। हम उतनी मंगवाते हैं जितनी हमारी काम है, जितना हमारा क्लाइंट है। एक सिलेक्टिव काम है। दुकानें सबके लिए है, काम भी सबके लिए। और सबसे मजे की बात, एक बहुत बड़ा जो काम हम अपने लाहौर वालों के लिए कर रहे हैं वो आपके इस फोरम पर बताना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे इनोवेशन की, वी वेंट टू दुबई, हम 6 बंदे लेके यहाँ तो दुबई चले गए मिठास के लिए। वहाँ पे हमने ट्रेनिंग ली मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ मिठाई शॉप से, मुख्तलिफ ब्रांड से, मेरे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट से राइस एक्सपोर्ट की वजह से, तो मेरे उन लोगों से दोस्तियाँ थी। तो मैंने अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए उन सब से ट्रेनिंग ली, उन्होंने अपने स्टाफ से हमें ट्रेनिंग दिलवाई। तहकीक से पता चला कि वो मिठाई में हमारे जो दूसरे मालिक हैं, हमसाया मालिक हैं दूसरे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं, उनकी तहकीक बहुत ज़्यादा है। हमने भी तहकीक की और तहकीक करके हमने वो वैरायटियाँ लाहौर वालों के लिए दी जो आज की डेट में अगर आप दुबई से लेके आते हो तो आपको 11,000 रुपये किलो पड़ता है। मैं वही मिठाई यहाँ पे 4,400 रुपीज़ के जी बेचता हूं। वही टेस्ट मैं सीख के आया हूँ वहाँ से, हम स्टाफ लेके गए, हम खुद सीख के आए हैं, हमने वही जायके डेवलप किया, हमने वही उन लोगों से सीखा। तो ये बेसिकली 2.5 नीचे, यानी कि 100 रुपये की चीज़ जो दुबई में आपको मिलती है, मैं यहाँ पे लोकल अपने लाहौर वालों के लिए डेवलप करके 40 रुपये की बेच रहा हूँ। सर एहसान है आपका लाहौर वालों को। ये मेरा इश्क है, ये मेरा एहसान नहीं है, ये मेरा इश्क है। मेरा फर्ज था कि मैं अपने शहर वालों को, फूडीज तो ऐसे समझते हैं ना, फूड लवर तो ये एहसान है। नहीं, मैं तो समझता हूँ सर, मेरा इश्क था। मैं इस लाहौर के लिए अगर कुछ कर रहा हूँ ना तो एक एक पल, एक एक घड़ी, जब मेरा ये मिठाई का पान, अभी आपने पान खाया तो आपने कहा कितना मज़े का पान है, अभी आपने ये भाई ने ट्राई किया तो उन्होंने कहा बहुत मज़े की चीज़ है। मेरी इसी बात पे जीत और खुशी की इंतहा है। मैं इंशाल्लाह एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ होती है कि बंदा सारा वो भूल जाता है। सर ये अजवा का हलवा हमने बनाया, तो अजवा का हलवा हमने विदाउट शुगर दिया। उसकी मेन रीज़न ये थी कि अजवा के अंदर एक अपनी मिठास है, मैं अजवा की मिठास को कैसे डिनाई कर सकता हूँ, मुझे और चीनी डाल के उसको ख़राब नहीं करना। एक एक प्रोडक्ट पे तहकीक की, अगर 70 प्रोडक्ट मिठास बेच रहा है, आप यकीन करें उस 70 के 70 प्रोडक्ट मेरे जायकों से निकली है। जायके का मतलब ये है कि जब तक वो जायका फाइनल नहीं हुआ, हमने बालूशाही डेवलप करना था। मैं शायद मज़े की आपको बताऊँ, निराला का बालूशाही बड़ा मज़े का होता था। छोटे होते ना निराला का बालूशाही आता होता था, कार एक लड्डू और एक बालूशाही छोटे डब्बे में। जब आप उस डब्बे को ऊपर से खोलते थे ना, आपको एक अरोमा आता था, एक खुशबू आती थी। वो खुशबू निराला के जाने के बाद ख़त्म हो गई। मुझे 15 दिन लगे वो बालूशाही डेवलप करते हुए, वो खुशबू डेवलप करते हुए, सिर्फ इस लाहौर टेस्ट के लिए कि मैं वही चीज़, वही फूल की तरह का बालूशाही, वो ज़बरदस्त किस्म की मिठाई वापस लाना चाहता था। तो आज भी ये मिठाई हम लोग, हमारी पूरी दुनिया में जाती है, लोग लेके जाते हैं। और आप यकीन करेंगे कि मुझे कोरिया से, डिफरेंट जगहों से जाके अप्रिसिएशन की मेल्स आई है कि जी हमने यहाँ पे आके मिठाई खोली आपकी, हमें नहीं पता था, हम तो फर्स्ट टाइम आए थे आपकी दुकान के ऊपर, पर हमें अब अजियत हो गई है कि हम थोड़ी क्यों लाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारी एक मेहनत है। आपकी सेटिस्फेक्शन है, आपकी मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नाज़रीन कहा जाता है कि इश्क करना है तो लाहौर चले आओ तुम, चाहे खाने की बात हो, चाहे पहनने की बात हो, चाहे मिलन की बात हो। तो लाहौर तो एक ऐसी हमारी सकाफ़त है कि लाहौर और फूड, इसके बगैर मेरा है लाहौरियों की लाइफ नामुमकिन सी है। शेख साहब इससे आगे भी जहाँ बहुत है, बेशक जी, ख्वाब तो बचपन के भी ख्वाब थे जो अभी तक पूरे हुए हैं, इस तरह और आगे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपने हमेशा जो जितना भी काम किया हटके किया है, एक से नई चीज़ ले आते हैं। तो इससे आगे मिठास के बाद क्या रहते हैं सर? देखिए वो जो खुदा ताला ने सोचा हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अल्लाह ने जहाँ तक हमें लिया है कुछ तो आमद हो रही होती है। मैं तो जितना शुक्र का अदा करूँ उस खुदा की ज़ात का उतना ही कम है, इस वजह से कि अल्लाह रिज़्क तो दे ही रहा है। मुझे जिस चीज़ से मेरी ज़िंदगी की रूह राज़ी होती थी वो थी आप भाइयों की इज़्ज़त, आपके व्यूअर्स की इज़्ज़त, आपके मेरे क्लाइंट्स की इज़्ज़त। वो जो मुझे इज्जत देते हैं, मेरी ज़िंदगी तो उसी एक टर्म के अंदर घूम रही और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करूँ उसको कायनात का मालिक का काम। आखिरी क्वेश्चन शेख साहब जी, ख्वाबों पे यकीन रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ जी, ख्वाब दिन तहा तक यकीन रखना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने ख्वाबा च सारा कुछ दसिया, तो मैनू अपने नबी अपने पैगंबरां ते यकीन है, तो मैनू उन्होंने ख्वाबा तो भी यकीन। यानी कि जो सोचा शेख साहब ने आपने वो मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की ज़ात का लाख दफ़ा शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। आपका अभी आपने पूछा तीसरा सवाल था आपका डिप्रेशन, मुझे अभी भी याद आया, मैंने कहा वो भी बताता चलूँ आपको। जी जी प्लीज़। डिप्रेशन बेसिकली ईमान की कमज़ोरी का नाम है। अगर आपके मजबूत ईमान के मालिक हो आप, आपका अल्लाह पे बिलीव पूरा है, तो फिर डिप्रेशन का था, फिर शुगर का दी, फिर मायूसी का दी, फिर यही तो सोचना कि ये कैसे होगा। अगर खालिक पे यकीन है तो जिस खालिक ने दुनिया बना दी, पहाड़ बना दिए, ज़मीन बना दी, आसमान बना दिया, पत्थर बना दिए, पुल बना दिए, समुंदर बना दिए, वो तेरे एक मिट्टी के ज़रे जैसा तू इंसान है तो तेरी उसके साथ क्यों वो तेरी नहीं मानेगा। अब ये मत कोई सोचे कि अल्लाह तो सुनता ही नहीं, ओए अल्लाह तो शारक से अंदर से भी ज़्यादा करीब है, अल्लाह क्यों नहीं सुनता। अल्लाह ने सुनाने वास्ते दिल चाहिए, अल्लाह ने सुनाने वास्ते ज़ुबान चाहिए, अल्लाह ने सुनाने वास्ते नीयत चाहिए कि या अल्लाह 10 की कर ले जो 10। शेख साहब आपकी जितनी स्टोरी सुनी ना मैंने, वो मेरे लिए मैं समझता हूँ आप एक रोल मॉडल भी हैं इस तरह से कि आपकी बातों में ना एक अपनायत भी है और एक लेसन भी है। लेसन इस सेंस में कि जिस तरह से आपने कहा कि मायूसियत को पीछे करना चाहिए और उम्मीद सहर रखना चाहिए। बेशक जब उम्मीद होती है, गलतियाँ इंसान करता है ज़िंदगी में, कई गलतियाँ की उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, पार्ट ऑफ लाइफ। अगर शेख साहब लेपर्ड में जॉब करते हुए अगर उस प्रोसेस से ना गुजरते तो शायद आज मिठास और बम्बे चपाती ना होता। बेशक बिल्कुल इस तरह ही। अगर वो बुज़ुर्ग की बात अगर आपको याद ना होती और वो नुकसान ना होता तो शायद आज अदनान साहब इस मुकाम पर ना होते। एक और बात मेरे घर पे ना एक और बात मैं ये करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये अब बात आपकी ज़िंदगी के साथ चलती है। मेरे वालिद साहब हयात थे तो मैं छोटा था घर पे, तो वो जरा छोटा होंगे ना उदे सारे जिमरे होंगे ने कि जिन्हें घर के काम ने सब्जी लानी हो भज क्या करना सारे छोटा मैं सारे का छोटा था। भाइयों को तो कह देना कि ये चीज़ नहीं मिली, भाई किसी काम भेज देते तो कहना ये नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब को ये कहना घर आके कि अब्बा ये काम नहीं होया, वो मुश्किल तरीन काम था हमारे लिए। वो ये कहते थे कि तुम लूले लंगड़ों की तरह हाथ लहराते घर आ जाते हो, काम नहीं हुआ। काम कैसे नहीं हुआ? काम करने के लिए बंदा घर से निकलता। तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो आप खालिक पे यकीन रख के अपनी मेहनत पूरी करके उस काम को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। अगर मालिक का काम है। मेरे इख्तियार में शायद भाई ये नहीं है कि मैं बाहर निकलूँ और चांद को हाथ लगाऊँ, तारों को हाथ लगाऊँ, मेरे इख्तियार में ये नहीं है। मेरे इख्तियार में ये नहीं है कि मैं बंदर की तरह या दरख्त के ऊपर चढ़ जाऊँ, लेकिन मेरे इख्तियार में ये है कि मैं आपसे चाय पूछूं, आपसे पानी पूछूं, मेरे इख्तियार में ये है कि आपसे खाना पूछूं, आपसे अच्छे तरीके से बात करूं। हर वो काम जो अल्लाह ने आपके इख्तियार में दिया ज़रूर कर दिया करो, किसी के लिए भी कर दिया करो। इस बात को सोच के कर दिया करो कि मेरे अल्लाह ने मेरे इख्तियार देता है, इस तो बड़ी कड़ी बात। बिल्कुल सही बात जी। नाज़रीन आप देख रहे थे कि आज ख्वाबों से तबीर तक में एक नई स्टोरी, एक नई इनोवेशन के साथ, एक नई कहानी, नई फ़िलासफ़ी के साथ अदनान सरवर शेख साहब, मेरा नहीं ख्याल कि अब मैं दोबारा वर्ड दोहराऊँगा कि उनका तारुफ़ क्या है, वो अपना तारुफ़ ख़ुद उन्होंने बताया है। और हमेशा की तरह ये एपिसोड 126 एपिसोड भी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी जब आप देखेंगे, और यकीनन आपकी फ़ीडबैक के ऊपर ही हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। अदनान साहब सर आपका दोबारा से बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया जी, आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। बड़ी देर से ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात करने की। आपके अक्सर इंटरव्यूज़ में देखता था डिफरेंट, क्योंकि आपने चैम्बर में जब तारिक रहमान का इंटरव्यू लिया तो तारिक मिसबा इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा तो मैं अक्सर आपका बड़ी तो वो अक्सर मैं आपके ना इंटरव्यूज़ वगैरह देखता था, तो मैं डिफरेंट सोचता था कि यार इंशाल्लाह ताला शायद भाई से कभी ताल्लुक़ बनेगा तो ये खुद आएंगे, तो बड़ी खुशी है इस बात की और रियली हैप्पी सर। हमारे प्लेयर हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है सर। आज आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, बहुत शुक्रिया, जो कि हमारी मेरी स्पॉन्सर्ड कंपनी हमारे अदारे ने मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज, पाकिस्तान की लार्जेस्ट ब्रांड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, क्या बात, जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप ख्वाबों से तबीर तक इस कहकशां में हमारे हीरो थे, हीरो है और हीरो रहेंगे। बहुत और ये सफ़र यूँ ही जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला जी, ज़रूर ज़रूर। सर ये आपके लिए गिफ्ट है, बहुत शुक्रिया, मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से। ग्रेट जी, ग्रेट, जो हमेशा आपको याद दिलाएगा। आप हमारे मेहमान, इनका स्टील भी बहुत अच्छा है जी, वैसे भी इनका माशाल्लाह काम भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान लार्जेस्ट ब्रांड है माशाल्लाह, और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें प्यार करना चाहिए, जैसे मिठास है वैसे ही, यानी कि हमारा बी पाकिस्तानी एंड लव पाकिस्तान, बाय पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, यानी कि जितना पाकिस्तान से इश्क कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतर मैं भी पिछले दिनों हुंजा होके आया हूँ और मुझे दुख हुआ है कि इतना खूबसूरत एरिया होने के बावजूद हम कर्जे में क्यों हैं। मेरा सवाल है आपके चैनल के थ्रू जितने भी अगर सुनने वाले हैं, तो मेरा ये सवाल हमारी अथॉरिटीज़ को पहुँचाएँ कि इतना खूबसूरत इलाका होने के बावजूद हम कर्जे में क्यों हैं। बिल्कुल सही सर, वहाँ मिठास होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, वेलकम शेख साहब। रियली बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे दोस्तों में से एक इजाफा हुआ है आज अल्हम्दुलिल्लाह में, और ये कहकशां यूं ही चलती रहेगी, ये दोस्तियों का सिलसिला जारी रहेगा, ख्वाबों से तबीर तक ये सफ़र जारी रहेगा, और जब हम दूसरी दफ़ा मिलेंगे तो शायद मिठास के बाद कोई नई चीज़ भी सामने आ चुकी है। अल्लाह ताला ने अगर नसीब में लिखा होगा तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला। अभी तो आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं कहता, केटरिंग का काम अब सीज़न में आ रहा है, अभी हमारा कमिंग सीज़न में जी जी अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, तो हमें वैसे ही महीने में 20-25 दिन, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा काम इसलिए खुद नहीं जाता कि मुझे शौक़ है वहाँ से पैसे इकट्ठे करने का या देखने का। मुझे शौक़ इस बात पे है कि मेरा एक एक क्लाइंट, चाहे वो 20 बंदों का घर पे खाना कर रहा है, चाहे वो 2000 बंदे का काम कर रहा है, वो एक एक क्लाइंट वहाँ से राज़ी होकर निकले कि मैं आज एंजॉय करके जा रहा हूँ इस फंक्शन को, इसलिए खुद जाते हैं। इंटरेस्टिंग जी, तो ये काम आएगा कि आगे बढ़ेगा जी इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत शुक्रिया जी। सेम है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों भेज दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाए वहाँ घर टूट जाते हैं, ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडर्न स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।